और फिर वर्क पावर एनर्जी की थोड़ी बात करते हैं, ठीक है? तो रिकैप कर लो, किससे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उससे हम रिकैप करेंगे, ठीक है गाइस? तो चलो जाओ जल्दी जल्दी से, मिड पॉइंट में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, है ना? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इधर लिख लो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की दुनिया में आपका स्वागत रहेगा। लिख लो, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये बुक से पढ़ोगे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से देख लो इधर, ठीक है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये तो कल लिख लिए थे, तो रिवाइज कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नोट डाउन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके, इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। नोट डाउन, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है? एक इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, समझ रहे हो? फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है बच्चों? तो इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं। अब वो फाइनली दूसरा पॉइंट लिख के डायरेक्ट ही बताऊंगा, दूसरा पॉइंट भी लिख लो, वर्क डन इन क्लोज्ड कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो, वर्क डन इन क्लोज्ड, नोट डाउन, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो। समझ आ रहा है ये? क्लियर है? क्लियर है क्या ये? देखो, इज इट क्लियर आर नॉट क्लियर? ठीक है बच्चों, आओ भाई इस वाले में लिखेंगे, क्लोज लूप में
वर्क डन जीरो नहीं होगा क्लोज्ड लूप में, किस वाले केस में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाले केस में, ठीक है बच्चों? तो इसमें पहले क्लोज लूप में वर्क डन जीरो वाला पहले डायग्राम में इसमें बनाना चाह रहा हूं, वो देखो ये लिख लिया आपने। तो लेफ्ट वाले पोर्शन में कंजर्वेटिव फोर्स वाले में एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे, एक मान लो कोई ब्लॉक है, इट इज ऑफ एम किलोग्राम, सो इट्स वेट इज एक्टिंग लाइक mg एंड इट केम हियर, ठीक, इसको एच हाइट डाउन लाया गया ऐसे यहां पे, यही है एम किलो, ठीक है बच्चों? तो एक बात हुई, अब यहां से मान लो ऐसे ले आके इस टाइप से यहां ले आया गया, ठीक है, कहीं इसको हमने ऐसे ले आया ऐसे, कहीं ये जर्नी में यहां रहा होगा एक टाइम एम किलोग्राम, ठीक है, फाइनली फिर ले आके हम यहां ले आए, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि ये पॉइंट है अगर ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, तो डब्ल्यू बी ए अगर कोई पूछे आपसे, डब्ल्यू बी ए कोई पूछे, है ना, तो क्या होगा? देखो एक होगा डब्ल्यू ए बी, है ना, ए से बी तक लाए, तो डब्ल्यू ए बी। अब पूछेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द फोर्स, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द फोर्स। अब वो कैसे देखो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी इस पे फोर्स कितना लगा रही है बच्चों, एमजी, ठीक है, तो लिख लो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको डब्ल्यू जी लिख रहा हूं, तो कितना होगा, mg फोर्स लगाई और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ h, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0 दैट इज mgh जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और अगर तुमसे ये बोला जाए कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ये मान लो यहां से आपने ब्लॉक को ऐसे लेके गए, इसको ऐसे लेके गए, ये ब्लॉक को बी से ए तक ले आए, पहले तो ए से बी तक लाए, तो वर्क डन अगेंस्ट द सॉरी वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये है डब्ल्यू ए बी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अच्छा, हम कैसे ए से बी लाए थे, फिर ऐसे ले आके इधर आ जाओ, चाहे ऊपर ही लेके जाओ, ठीक है, समझे? तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये उसी में लिखना है, मैं ये जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूं, ये नॉन कंजर्वेटिव में मत लिखना, अभी इसी में लिखना है, ठीक है, इसके नीचे लिखो वर्क डन अगेंस्ट द, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इसका वेट mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इफ यू मेक योर एफर्ट टू मेक दिस बॉडी फ्रॉम b टू a, देन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स एटलीस्ट एट इक्वल टू mg न्यूटन, ओके, तो mg न्यूटन तो फोर्स लगाओगे ही और ऊपर ऐसे लेके जाओगे, तो फोर्स लग रहा है, देख रहे हो, फोर्स इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, देख रहे हो, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर कहें, मींस की w ba अगर बोला जाएगा,
तो क्या होगा, देखो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स कहाँ लग रहा है, एमजी नीचे, और बॉडी ऊपर जा रही है क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट लेके गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, एमजी इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज माइनस एमजीएच, दैट इज माइनस एमजीएच, इट मीन्स दैट इज माइनस एमजीएच। अब देखो, तो पाथ पे डिपेंड ये कर ही नहीं रहा है, आप ऐसे लेके आओ यहाँ पे, या ऐसे लेके आओ यहाँ पे, या ऐसे लेके आओ यहाँ पे। ठीक है, लेके आने में वर्क डन हमेशा होगा एमजीएच। दूसरी बात, आप ऐसे लेके आओ और ऐसे लेके जाओ, ठीक है, तो देखना, लेके आए आप यहाँ पे तो वर्क डन हो गया इतना, लेके आप गए तो वर्क डन हो गया कितना, देख रहे हो, माइनस एमजीएच। सो द टोटल वर्क डन इन अ क्लोज लूप, समेशन ऑफ वर्क डन, समेशन ऑफ वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, दैट इज एमजीएच माइनस एमजीएच, दैट इज जीरो। तो किसी भी क्लोज्ड पाथ में, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है, एक क्लोज्ड लूप में नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। और देखो, अब थोड़ा नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल बताऊं मैं। अब ये जो एग्जाम्पल लिखना, वो नॉन कंजर्वेटिव वाले में लिखना। तो इसको कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क करेगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन, है ना, समझ आया। अच्छा, तो एक चीज देखो, हमने एक प्लेन में, ठीक है, ये एक प्लेन में कहीं रख दिया ये ब्लॉक, इसी बोर्ड में, ठीक है, इसी बोर्ड पे हमने एक ब्लॉक रख दिया ऐसे करके, बोर्ड बोर्ड का प्लेन ऐसे है, उस पर एक हमने क्या रख दिया, ब्लॉक। तो ब्लॉक रखने के बाद क्या हुआ, m किलोग्राम का ब्लॉक था, इस पॉइंट का नाम मैंने a रखा। ठीक है, इसमें एक चीज समझते रहना कि mg है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, वर्टिकली इनटू द प्लेन, है ना, आपको बताया गया था। क्रॉस, क्रॉस मीन्स अगर कोई नोटेशन, ठीक है, किसी भी, मान लो मैं कोई प्रॉब्लम समझा रहा हूं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे अगर क्रॉस लिखूंगा, तो क्रॉस मीन्स जिस पॉइंट के पास में क्रॉस लिखा है वो इनटू द प्लेन, और कोई पॉइंट के पास अगर डॉट लिखा है, इट मीन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड। ये एक नोटेशन है फिजिक्स में, इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन, ठीक है, तो एमजी इनटू द प्लेन लग रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे अब इस सरफेस पे ऐसे मार्कर रखा है, तो एमजी की डायरेक्शन नीचे है, तो इस प्लेन से वर्टिकली नीचे, और ये प्लेन अगर ऐसे हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इनटू द प्लेन, एमजी की डायरेक्शन, ठीक है। तो जी, इस पे फोर्स लगाया और ब्लॉक को ए से बी पॉइंट पे लाया, बी पॉइंट पे लाया, समझ रहे हो। और देखो, फिर इधर से ऐसे ले आए, है ना, ध्यान देना, पहले कहाँ ले आए, ऐसे, फिर इधर कहीं रहा होगा ये, फिर ऐसे यहां पे लाए सी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट से ऐसे लेके आए, है ना।
तो ऐसे जाके फिर दिस वन अलोंग द एरो वी आर मूविंग द ब्लॉक, ओके, अलोंग द एरो वी आर मूविंग द ब्लॉक। नोट डाउन गाइस, हाँ जी आया समझ? तो देखो, और जिस सरफेस पे ये रखा है उसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर म्यू है, आप ये समझना ये वर्टिकल नहीं है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है? ये सरफेस पे रखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। सरफेस देखो, ऐसे कुछ टेबल बना लो, ऐसे टेबल पे रखा हुआ है ना? तो ये डायग्राम मैंने इसमें नहीं बनाया, स्पेस कम की वजह से, ये टेबल पे रखा हुआ है। यहां से लेके हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो क्लोज लूप बना कि नहीं बना, ठीक है ना? तो जैसे ही इस पे फोर्स लगाओगे, एफ इधर को एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन दैट इज एम जी, म्यू एम जी इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो भाई, म्यू एम जी इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? तो एक बात समझो, मैंने इसमें एक नोटेशन यूज, तो मैं डब्ल्यू ए बी सी लिखना चाहूंगा, डब्ल्यू ए बी सी, कैसे? ए से गया बी और बी से आया सी, तो मैं डब्ल्यू ए बी सी ब्लॉक को ऐसे स्लिप करवा के फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके ए से बी, बी से सी लाने में वर्क डन कितना हुआ ये जानना है, ठीक है? तो फिर से वही कॉन्सेप्ट ले आओ, ठीक है? कैसे? फोर्स, अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कर रहे हो, तो फोर्स तो तुम एक्सटर्नल फोर्स एफ न्यूटन इधर लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, कैसे कैलकुलेट होगा? फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा 180, 180 कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, दैट इज माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स, है ना? पहले कॉस 180 भी लिख दूं, नहीं तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, ठीक है? म्यू एम जी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री, ये तो यहां से यहां आने में हुआ, क्योंकि यहां का डिस्प्लेसमेंट था एक्स मीटर, फिर से ये भी है एक्स मीटर। अब उसी सरफेस पे ला रहे हैं, ये वर्टिकल नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इस प्लेन मान लो कि ऐसे था, ये ऐसे गया, फिर ऐसे ले आए, है ना? फिर यहां से ऐसे ले आए, फिर इसको ऐसे ले आए, ऐसे जाके इधर, ये एक्स था, ये एक्स था, 90 डिग्री है, तो ये एक्स रूट टू होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार, सन्नाटे में चले जाते हो थोड़ी देर में। फोकस करो इस पे। समझ आ रहा है, ठीक है? तो म्यू एम जी एक्स कॉस 180 डिग्री, फिर अब देखो, फिर से जब ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कितना, म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फिर से क्या प्लस म्यू एम जी एक्स कॉस 180, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180, दैट इज माइनस वन। हाँ तो दोनों को ऐड कर दो, माइनस टू एम जी एक्स दिख रहा है क्या? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू ए बी सी इज इक्वल टू माइनस टू म्यू एम जी एक्स, इतना जूल। पहले ये बताओ, समझ आया? हाँ जी बोलो, टाइम कम है, बोलो जल्दी। अच्छा अब सुनो, क्लोज लूप बनाने के लिए ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आएगा, तो ये डिस्टेंस, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, एक्स रूट टू। अब लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू ए सी, ए टू सी में, समझ गए? अब क्या होगा, फोर्स देखो, अब फोर्स आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, तो इसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा,
इधर तुम फोर्स लगा रहे हो तो अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू एम जी, दैट इज म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो, एक्स रूट टू। तो लिखूं बोलो कितना लिखूं, म्यू एम जी एक्स रूट टू इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज माइनस रूट टू म्यू एम जी एक्स जूल। आया समझ, बोलो। ठीक है, अब टोटल वर्क डन का समेशन, ठीक है, टोटल क्लोज लूप में वर्क डन का समेशन जीरो होगा यहां पे? नहीं होगा। तो लिख लेना, वी सी दैट फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस the work done in closed loop, work done in closed loop, that is w f a b c plus w f a c is not zero। देखो ये क्या है, माइनस टू एम जी एक्स, ये क्या है, माइनस रूट टू एम जी एक्स, तो सारा एड होके टोटल माइनस में ही आएगा, कटे वटे का कुछ नहीं, दोनों माइनस में है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा? नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की दुनिया में होगा। तो ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, ठीक है, आ जाओ। चलो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, आओ। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, इधर लिखो, दो हो गया था, थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा और जहां भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन वही होगी। मतलब अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, इसका मतलब है कि जो फोर्स वहां रिस्पॉन्सिबल होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। अभी मैं एग्जांपल भी देता हूँ, पहले इतना समझो, है कि नहीं, है ना। और इसके थर्ड पॉइंट में लिख लो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट एसोसिएट टू द पोटेंशियल एनर्जी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट एसोसिएटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं तुमसे, ठीक है, ये पॉइंट असर्शन रीजनिंग में आएगा, क्वेश्चन की तरह पहचान लो, ध्यान से समझ लो, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, किसमें, कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा होगा, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कंजर्वेटिव इंटरनल, जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही लिखना, लैंग्वेज में जैसे लिख रहा हूं, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का वर्क डन वर्क डन
हमेशा हमेशा होगा क्या? हमेशा होगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना, ये लैंग्वेज कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है? ए प्लस नहीं है बे। मैंने क्या बोला? कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो हमेशा होगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करके रखो इसे। मीन्स इसका मतलब कि वर्क डन थ्रू द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टेटमेंट तुम्हें लिख लेना चाहिए, ठीक है? आओ, समझ आया? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वर्क डन थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं। अरे भूलना नहीं, एक नोट करके लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इररिस्पेक्टिव इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नोट करके लिखो इन जनरल, नोट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इररिस्पेक्टिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। आओ बच्चों, है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहीं से डिफाइन कर रहा हूं मैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को। जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वहीं से मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मीन्स कि एफ डी एक्स कैन बी रिटेन एज चेंज इन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये देख रहे हो, जितना वर्क डन होगा वही तो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मीन्स एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये चाहो तो तुम ऐसे डेल्टा एक्स लिख लो, ठीक है? अब फाइनली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, एफ इज इक्वल टू, एफ का मतलब एक्स एक्सिस पे, ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली इट कैन बी रिटेन एज एफ वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इसका अपना मतलब है, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव साइन। ये डी नहीं है, डेल है, डेल दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव साइन, पार्शियल डेरिवेटिव साइन दैट इज एफ जेड कैन बी रिटेन एज माइनस डेल यू बाई डेल जेड।
ये तीन बातें हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा तुम्हें मेमोरी में रखना होगा। ठीक, चलेगा यहां तक? ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब अभी मैं बता रहा हूं कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, अब लिखो अगला पॉइंट, लिखो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स का अगला पॉइंट लिखो, नोट करो जल्दी। देखिए, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स बाय डूइंग वर्क maintains the form of mechanical energy, maintains the form of mechanical energy. It can change the kinetic energy. It can change the kinetic energy into potential energy. हाँ भाई, बोलना कोई डाउट होगा तो, ठीक है, ये दिख रहा है ना बोर्ड पे? हाँ, change the kinetic energy into potential energy and potential energy into kinetic energy, इसको वाईसी वर्सा भी लिखते हो, तो लिखते रहो कहानी में, अभी इसको समझना ज्यादा जरूरी है। बट अब अंडरलाइन करके लिखना, बट क्या भाई? बट हीट, अंडरलाइन, heat, light, and sound will not be produced. ये कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स की दुनिया में ऐसा होगा। जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, देखो, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स बाय डूइंग वर्क मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जब भी मैं कहता हूं मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक ही साथ, ठीक है। इट कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट हीट, लाइट एंड साउंड विल नॉट प्रोड्यूस। अगर वो कंजर्वेटिव है तो ऐसा चेंज होने के दौरान साउंड नहीं आएगा, मतलब लाइट नहीं होगी, हीट नहीं होगी, समझे? जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव वाले में तुम्हें ये सब फेनोमेना दिखाई देगा, लाइट, हीट और साउंड के फॉर्म में निकलेगा, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स वाले में ऐसा चेंज होने के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर लिखो फिफ्थ में या फोर्थ में जो भी पॉइंट है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज डेसिपेटिव फोर्स। स्पेलिंग ये देखना, आर वार इसमें छूट नहीं रहने है ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, डेसिपेटिव माने समझ रहे हो ना, लॉसेस वाले, डेसिपेटिव फोर्स, ब्रैकेट में लिख लो, डेसिपेटिव फोर्स विच डेसिपेट द मैकेनिकल एनर्जी, विच डेसिपेट द मैकेनिकल एनर्जी, एमई नहीं है ये, मैकेनिकल एनर्जी है ये, ठीक है, विच डेसिपेट द मैकेनिकल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, बाय डूइंग वर्क इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज क्या भाई, लाइक हीट लाइट एंड साउंड. तो ये बात तो तुम्हें पता चल गई होगी क्या भाई, कि अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है ना, तो ये डेसिपेटिव फोर्स है, यहां से हीट लॉसेस होंगे, ठीक है, मींस की मैकेनिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, मींस की काइनेटिक एनर्जी अगर किसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसमें हीट डिसिपेशन होगा, उसमें लाइट और हीट और साउंड के फॉर्म में एनर्जी का डिसिपेशन होगा. ये बेसिक डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में. बताओ बच्चों, ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लिख लो, कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ भाई, फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स, इसके सेकंड में क्या लिख दें, विस्कस फोर्स, आगे जो फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो विस्कस का ज्यादा पता चलेगा, और थर्ड लिखो फोर्स अप्लाइड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अप्लाइड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरलाइन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अंडरलाइन कर लो, ये है 12th के सेगमेंट से, है ना. अगर वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये तुम्हें हालांकि समझ नहीं आएगी अभी, वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है. तो ये कहा जा रहा है कि हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली, ठीक है, क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन फोर्स अप्लाइड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्या, फोर्स अप्लाइड बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखना ये बात, ठीक है. और इसमें लिखो एग्जांपल, कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या है, ये जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन हर बार, कि नीचे दिए गए ऑप्शन में पता करो कौन कंजर्वेटिव है कौन नहीं है, या कुछ एग्जांपल लिखो, ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का. पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, नोट डाउन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और बताओ क्या क्या है, सेंट्रल फोर्सेस, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल
फोर्सेस, वो सारे क्या होंगे? कंजर्वेटिव बाय नेचर। और बताओ, ऑल द कांस्टेंट फोर्स, ऑल द कांस्टेंट फोर्स या फोर्सेस, जितने कांस्टेंट फोर्सेस हैं सारे कंजर्वेटिव फोर्स माने जाएंगे। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट यहां लिखो कि वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट कब माना जाएगा। ठीक है, लिखो वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स मे बी वेरिएबल फोर्स मे बी कॉन्स्टेंट वेरिएबल फोर्स मे बी वेरिएबल फोर्स मे बी कॉन्स्टेंट का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ऑल द फोर्स, ऑल द कॉन्स्टेंट फोर्स को अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स मान रहे हैं तो वेरिएबल फोर्स भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, का मतलब वेरिएबल भी कंजर्वेटिव हो सकता है। और वो कब होगा देख लो, वेरिएबल फोर्स मे बी कंजर्वेटिव, ये एक लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि हर बार ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब जो कब होगा ये देख लो, कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जब फोर्स की कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कॉन्स्टेंट, समझ गए, तब उसे कॉन्स्टेंट फोर्स माना जाएगा। समझ में आया? तो एग्जाम्पल्स तो तुम्हें बहुत ही फ्रीक्वेंट पता होना चाहिए, बहुत ही फ्रीक्वेंट पता होना चाहिए। बताओ जी, समझ आया? तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई वहां वो फील्ड क्या होगी, कंजर्वेटिव, वहां वो फील्ड क्या होगी, कंजर्वेटिव। आई बात समझ क्या? बोलो बच्चों, समझ आ गई? अब लिखो, अगर टू डायमेंशनल फोर्स होगा, टू डायमेंशनल फोर्स होगा, उस टाइम कैसे हम इसको लिखेंगे ये देख लो। अगर टू डायमेंशनल फोर्स है तो कैसे लिखा जाए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये बताओ समझ में आया? ये टू डायमेंशनल फोर्स है, ठीक है। और अगर थ्री डायमेंशनल फोर्स होगा तो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, देन एफ विल बी कंजर्वेटिव, एफ विल बी कंजर्वेटिव इफ, ये फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? इज इक्वल टू डी डी एफ वाई अपॉन डी एक्स या डेल एक्स, जब ऐसा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको फोर्स देगा और पूछेगा कि इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव,
ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है। क्या अगर कोई ऐसे टू डायमेंशनल फोर्स दिया गया है तो पूछा जा सकता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसके लिए सफिशियंट कंडीशन है कि dDy ऑफ fx इज इक्वल टू dDx ऑफ fy, दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, फोर्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अगर ये दोनों सेम है, सेम आता है, तब तो ये कंजर्वेटिव है, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव है। बताओ जी, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी मैं लूंगा एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, 10 मिनट होगा ना तुम्हारे पास, मजा आएगा। देखो आओ करते हैं एग्जाम्पल के साथ बच्चों, ठीक है। तो जी देखो, यहां लिख लो हेडिंग, नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ फोर्सेस क्या कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, इस पे क्वेश्चन देखो कैसे। फर्स्ट देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड जे, ये दिया है, इतना न्यूटन का फोर्स है, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में है। समझ गए? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक बात समझो, इसको इससे कंपेयर करो, इससे जो आई का कॉफिशियंट होगा वो एफ एक्स होगा, जो जे का कॉफी आई कैप का जो जे कैप का कॉफिशियंट होगा वो एफ वाई होगा। इधर देखो, तो आई का कॉफिशियंट एक्स है, जे का कॉफिशियंट वाई प्लस जेड है, तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स इज एक्स हियर एंड एफ वाई इज, बोलो, एफ वाई इज वाई प्लस जेड, और इस कॉन्सेप्ट में रखना है, ठीक है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों सेम होता है तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ट्रिक समझ लो जल्दी से, जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी पार हो जाएगा बेड़ा, ठीक है। तो डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो, वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट ही होगा ना, एफ एक्स तो क्या आएगा, जीरो। इसी तरीके से एफ वाई क्या है, ये इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है बच्चों। तो डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ गया, जीरो। अब बताओ ये कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव, ये वाला कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव, तो आंसर है नॉन। अबे दोनों सेम ही तो आ गया, तो कंजर्वेटिव। क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा कि नहीं, और एक क्वेश्चन करो, सेकेंड क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आओ, फटाफट आओ। फोर मार्क का क्वेश्चन ही आ चुका था, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर कैन बी रिटन एज, सपोज कोई दिया है क्या, वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू, वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू ऐसे है ना, इंटू आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे, एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। अब जरा बताओ, इज इट कंजर्वेटिव
और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो भाई फटाफट फटाफट, मैं नहीं करूंगा इसको, तुम करो, करोगे तभी सीखोगे। जल्दी करो। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया, एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं, ये करके बताओ जल्दी फटाफट फटाफट। एफ इज इक्वल टू, एक मान लो क्वेश्चन मैंने बना दिया कुछ, टू आई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे, ऐसे ये बताओ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, बोलो भाई फटाफट फटाफट। अरे तुम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, बोलो जल्दी, भव्य कहाँ गए? अरे इसमें क्या था, इसमें कौन सा टफ लग रहा है तुम लोगों को? इधर देखो इधर देखो, आई का कोफिशियंट क्या है? टू आई, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है? टू आई। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डी ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, तो टू आएगा ना, क्या आएगा? टू आएगा, यही तो था। अरे इसको क्यों कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला कर रहा हूं पहले, ये तो ठीक ही है। इसको देखो, इसको पहले ये सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका इसका सॉल्यूशन देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो वाई स्क्वायर एक्स प्लस टू, और एफ वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई। इसका मतलब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा? टू एक्स वाई प्लस जीरो, यही होगा ना? इसको करो, डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही है कि जो वेरिएबल है उसके फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? वाई इंटू टू एक्स। अरे ये तो दोनों सेम हो गया, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स, इट मीन्स एफ इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव खत्म। दूसरा क्या है? अच्छा सबका आगे कंजर्वेटिव, ठीक है इसको करो इसको करो, इसे सॉल्व करो, क्या है इसमें बच्चों वाला? ठीक है, इधर क्या है? एफ एक्स की वैल्यू टू वाई, एफ वाई की वैल्यू टू सॉरी एक्स स्क्वायर, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज टू, ये देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, देखना डेल ऑफ एफ वाई रिस्पेक्ट टू डेल एक्स दैट इज टू एक्स। ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया था? भव्य ने, वेल डन गाइस। ओके बातें और भी हैं अगली क्लास में, ओके बाय, हैव अ नाइस।